सैनिकों के सम्मान में सैल्यूट तिरंगा ने मनाया गणतंत्र दिवस। देश भर में एकता को मजबूत करने के लिए काम करता है सैल्यूट तिरंगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई मुंबई में सैल्यूट तिरंगा ने सैनिकों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन सैल्यूट तिरंगा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजेश राय ने किया था। बता दें कि सैल्यूट तिरंगा देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए काम करता है। इस अवसर पर राजेश राय ने कहा कि आज हम इस खुली हवा में सिर्फ इसलिए सांस ले पा रहे हैं क्योंकि देश की सीमा पर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना पहरेदारी कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी देश के वीर सपूतों के योगदान को न भूले, इसलिए हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री गणेश नाईक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। गणेश नाईक ने सैल्यूट तिरंगा के पदाधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि समय की जरूरत है कि ऐसी संस्थाएं युवाओं और बच्चों में देश प्रेम की भावनाएं जगाएं ताकि देश के युवा हमारे महान सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से वाकिफ रहें जिससे उन्हें देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। सैल्यूट इंडिया जो राय जो मिस्टर राय ने यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो भार उन्होंने संवारा हुआ है, अच्छे राष्ट्र भावना जतन करने की उनकी तमन्ना है। अपने जो युद्ध पे लड़ने वाले जो आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, उनके प्रति एक अपनेपन की भावना जताने का ये उनका इरादा है और वो उसको जितना भी उसकी प्रशंसा करे इतना कम। इस कार्यक्रम में सेना के रिटायर्ड कर्नल आरवी रमना, अवकाश प्राप्त सैनिक श्री गोविंद मोहिते, पुलिस ऑफिसर श्रीमती राजश्री गोरे, सैल्यूट तिरंगा की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर वंदना त्रिपाठी समेत सैल्यूट तिरंगा के तमाम कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मौजूद रहे बीजेपी आईटी सेल महाराष्ट्र प्रदेश संयोजक सतीश निकम ने सैल्यूट तिरंगा के कार्यों की सराहना करते हुए आगे भी देशभक्ति के ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने वाली सोशल मीडिया स्टार लब्धि ठक्कर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागती है, हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। गणतंत्र दिवस का महत्व बढ़ाने के लिए, लोगों में उसके विषय जागृति लाने के लिए, लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़े, इस विषय के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। कोरोना के महामारी के बाद एक फिर से उभरने का संकल्प हमारे देश ने लिया है और निश्चित ही आने वाले समय में हमारा भारत देश, हमारी भारत माता या वैभवशाली निश्चित ही बनेगी, ऐसा एक दृढ़ संकल्प आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग सब लोग ले रहे हैं। सैनिकों के लिए जितने शब्द बोल उतने कम हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहूँगी जो हमारी सीमाओं पर खड़े रहते हैं। वो मौसम नहीं देखते क्या मौसम चल रहा है, वो सिर्फ देश के लिए लड़ते हैं। सो हिराणा और रांझे की धरती है, इसका इतिहास कोई मिटा नहीं सकता। रक्त से लिखा है इतिहास हमारा, स्याही से भी कोई मिटा नहीं सकता। आज़ाद बॉस और भगत सिंह की कुर्बानी को कोई भुला नहीं जा सकता। रक्त से रंजीत हुई थी धरती, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। बता दें कि इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गणेश नाईक को सैल्यूट तिरंगा का संरक्षक बनाया गया। राजेश राय ने उन्हें प्रशस्ति पद देकर सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक पद से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।